के लिए गया, उन्होंने आगे जाके कहीं पे है तो वहाँ पे जाके आपको रोना ही है शादी के बाद। उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो यार इस टाइम मैं ये दिल्ली गेट के सामने खड़ा हुआ, दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं इसको, ऊपर लिखा दिल्ली गेट लिखा हुआ ऊपर। तो अकेला है मैं फर्स्ट टाइम, पहले भी नहीं आता था कभी, मगर अकेला शायद मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इधर। तो ये अंदर आपको सारा दिखाता हूँ मैं यहाँ से। आज रश है, आज शायद मंडे है जिसकी वजह से रश है, वरना संडे वगैरह की तरह रश नहीं होता। तो ये अंदर से ऐसा है बिल्कुल सारा, ये सारा। तो बाकी ये फिर आपको, बाकी आपको सारा अंदर से जाके सारा मैं दिखाता हूँ। ये सारा अंदर से है, ये सारा देख सकते हैं। और जब संडे को इतना रश नहीं होता यहाँ पे, आज ज़्यादा रश है, तो आपको अंदर की सारी गलियाँ शलियाँ सारी दिखाता हूँ मैं आपको मुझे आके सारी। ये शायद सारा पीछे हमाम है बादशाह का शायद कोई। बाकी ये सारा देख सकते हैं आप सारा, ये सारा बाजार है यहाँ का। यार यार अभी पतली गलियाँ कहाँ पे हैं, जहाँ पे पतली गलियाँ होती है जहाँ पे दूर है थोड़ा पास ही है ये सामने हाँ जी। तो मैंने आपको यहाँ की गलियाँ दिखानी है यहाँ पे, मैं तो उनको पतली गलियाँ ही कहता हूँ, उनका नाम नहीं मुझे आता, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूँगा, पूछ के बता दूँगा भाई से अगर वहाँ पहुँच गया ना, मुझे नाम नहीं आता भाई से पूछा पतली गली गए उन्होंने, मैंने कहा आगे जाकर कहीं पर है तो वहाँ पर जाके आपको दिखा दूँगा मैं। इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, मुझे अंदर से कुछ हो रहा था कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा, मगर आप हिम्मत करके मैंने वीडियो बना दी है, जो मर्जी हो वीडियो तो बना दी। अब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं मुझे, बट खैर है तो वीडियो तो बना रही है मैंने, जो मर्जी हो जाए। आप ढूंढूंगा थोड़ा, ये सारा बाजार है यहाँ का देख सकते हैं सारा आप। यार मुझे ये सामने वज़ीर खान मस्जिद सामने नज़र आई है, तो मैं अब इसके अंदर एंटर होने लगा। ये पीछे मेरी सारी मस्जिद देख सकते हैं आप सारी, ये सारी मस्जिद है, ये उस दिल्ली गेट के अंदर ही है, ये असल में बाजार होता है सारा, ये सारी मस्जिद है यहाँ की। और अंडर एंटर होने की पता नहीं जगह है कि नहीं, आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये वज़ीर खान मस्जिद के अंदर एंटर हो चुका हूँ मैं। ये अंदर एंटर हो गया हूँ यहाँ पे मैं सारा। जूती तार गया ना अच्छा, तो ये मस्जिद है सारी अंदर, पहले जूतियाँ उतार लेता हूँ। तो यार ये मैं मस्जिद के अंदर एंटर होने लगूँ अब। ये मस्जिद है सारी देख सकते हैं सारी आप, तो पता नहीं पीछे कोई शादी वगैरह हो रही है, ज़्यादातर आजकल पता है आपको ट्रेंड बन गया है मस्जिद के अंदर शादियों वगैरह का। ये मेरे पीछे सारी मस्जिद है, तो ये पानी चेक करें सारा आप। आज रश नहीं है यहाँ पे शायद मस्जिद का, नहीं मुझे पता है मस्जिद में रश होता है कि नहीं, मगर यहाँ पे इतना रश नहीं है। एक दो शादी जिनकी शादी है उन्होंने आना यहाँ पे, रोना ही है शादी के बाद उन्होंने, अल्लाह ना करे, बट वैसे जनरली बता रहा हूँ। ये यहाँ पे कोई यहाँ पे मज़ार वगैरह है किसी का, अस्सलाम वालेकुम, ये किसका मज़ार है? सैयद साक्षा साहब, नीचे सीढ़ी है, अंदर जाने का रास्ता है। क्या नाम था आपने? ये पता नहीं किसी का मज़ार है यहाँ पे, तो अंदर जाने का रास्ता है यहाँ पे, अंदर जाने लगो मैं। अंदर जा सकता हूँ? जी जी, ये मैं अभी अंदर एंटर हो रहा हूँ यहाँ के। ये यहाँ का मज़ार है सारा, तो ज़रा दूर ही वगैरह पढ़ लूँ फिर उसके बाद यहाँ पे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं लगता मुझे। तो यार अंदर दुआ वगैरह मांगी थी, जब आप लोग भी वीडियो ना खाली बनाने आ जाए करें, जब ऐसी जगह पे आए तो आप दुआ वगैरह पढ़ लिया करें, क्या पता उनके सदके मारी भी बख्शिश हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला के नेक बंदे वगैरह होते हैं। ये सारी मस्जिद है यहाँ पे, ये सारा ऊपर से आप देख सकते हैं, ये सारी मस्जिद है ये। गर्मी थी नहीं यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, मेंटेनर
मस्जिद इन्होंने मेंटेन वगैरह रखी हुई है, नॉर्मली रखी है मस्जिद इन्होंने, इतनी पुरानी है। आगे वो बाहर वो सारा लिखा हुआ सारा कि कितनी पुरानी है, और अंदर ये मोहम्मद इसहाक आगे नाम नहीं मुझे आता है इनका, तो बाहर वो सारी तख्ती लगी है। वहाँ भी मैं जाके आपको सारा बताता हूँ कि मस्जिद की सारी क्या हिस्ट्री है मस्जिद की। ये छोटे छोटे सारे गेट लगे हैं, ये इसके अंदर देखते हैं जाने देते हैं कि नहीं। अच्छा, ये वो वहाँ से बाहर वो वापस हम बाहर को निकल जाते हैं यहाँ से सारा। ये सारी मस्जिद है, इसके थोड़े बहुत मैं सिनेमैटिक शॉट वगैरह ले लेता हूँ, एक मिनट जरा। यार ये इस मस्जिद के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये पढ़ सकते हैं आप। जिस ये लंबा हो जाना मुझे पढ़ने में, तो ये मैं इसकी आपको स्क्रीनशॉट वीडियो के अंदर डाल दूंगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये मस्जिद जो बनी थी ना 1934 से 35 AD के बीच में बनी थी, बकाया सारा वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस पर स्क्रीनशॉट कह रहा हूँ, वीडियो के अंदर मैं ऐड कर दूँगा, तो आप सारा देख लीजिएगा। वापस मैं अभी बाज़ार के अंदर आ गया हूँ, गर्मी आज यार इतनी ज़्यादा नहीं बाहर मुझे लग रही, शायद मैंने जैकेट पहनी जिसकी वजह से। ये मैं बाज़ार के अंदर आ गया हूँ, ये असल में बाज़ार है, यहाँ पे आपको कपड़ा मिल जाएगा, मतलब हर चीज़ मिल जाएगी आपको, जो हर चीज़ आप डिमांड कर सकते हैं, समझ लें लंडा बाज़ार टाइप है, लंडा बाज़ार तो नहीं बस उस टाइप ही है ये थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यार यहाँ पे एक पतली गली है जिनके नाम नहीं आता, टैडी गली। हाँ जी, वो कहाँ पे है? पतली गली की ये चौंक आ रहा है, यही। हाँ जी, आ रहा है, राइट है ना? राइट होना साथ ही आपको नजर आएगा बाजार, छोटी गली छोटी गली है कच्चा कच बड़ी होगी हमारी। तो दोबारा उसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे आपको मैंने बताया था, टैडी गली कहते हैं उसको, अंकल से पूछा मैंने, वो इधर ही रहते हैं। मैं पतली गली क्या, पतली टैडी गली में इतना फर्क नहीं होता, पतली गली ज़्यादा अच्छी लगती है यार। ये गली तो मुझे नजर आई है यहाँ पे, मगर इधर अंदर घुसने की जगह नहीं है, यहाँ पे राशि बहुत ज़्यादा है, अब समझ नहीं आ रही यहाँ पे जाने का यार। और भी रास्ता है यहाँ जाने का, राशि बड़ा है यहाँ पर, तो यही रास्ता है जाने का, और भी रास्ता नहीं है यार। वहाँ पे राशि बहुत है, लेडीज वगैरह हैं वहाँ पे, तो जाने को तो जा सकते हैं, ये थोड़ा खुला हुआ है, सारी लेडीज ही हैं तो समझ सकते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी जिसकी वजह से। ये कतरे बेहतर है वहाँ पे, अगर आप लोग ने कोशिश करते हो अगर मुझे जाने देते हैं वहाँ पे, अगर नहीं जाने देंगे तो वहाँ पे मैं संडे वगैरह को कभी आ जाऊँगा कराना आपको, तो पहले अभी तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे, सारी हैं ही लेडीज हैं यार सारी, मैं किस तरह चला जाऊँगा वो जगह भी बहुत ही, किस तरह समझाओ। ये एक चढ़ाई वाली जगह मुझे नजर आई है यहाँ पे, यहाँ पे रश कम है, और ये कपड़ों की जगह है यहाँ पे सारी, ये सारा कुछ देख सकते हो सारा, ये कपड़े होते हैं यहाँ पे सारे जेंट्स के, हाँ जेंट्स के सारे कपड़े हैं यहाँ पे, और ये सारी गली है, अंदर समझ नहीं आ रही कितना आगे जाऊँ, अंदर कुछ है ही नहीं, सारी ये सारी टोटली सारी कपड़ों की सारी मार्केट है। वो आगे एक पतली गली नज़र आई है मुझे, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं। ये एक मुझे पतली टाइप गली नज़र आई है जिसको टैडी गली कहते हैं, ये वो बाज़ार जो मैं आपको बता रहा था जहाँ पे एंटर नहीं हो रहा था मैं, वो इतनी थी, इससे भी तकरीबन छोटी थी वो सारी, ये सारी गलियाँ। ये सारी गलियाँ अंदर, ये वाली गलियाँ मैं आपको कह रहा था, ये आज भी इतना रश नहीं है मगर शॉप्स वगैरह खुली हैं सारी, ये वाली सारी गलियाँ अंदर। ये सामने मेरे मस्जिद आ गई है, ये सारी खाने पीने की जगह है। दोबारा मैं बाज़ार के अंदर एंटर हो गया हूँ, सच कहूँ तो यार समझ कुछ नहीं आ रही, टोटली ब्लैंक हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं संडे का बगैर कभी नहीं आया यहाँ पे, संडे में भी कोई तकरीबन एक दो दफ़ा आया होगा यहाँ पे, वहाँ पर इतना रश नहीं होता था।
ये दोबारा एक सुनसान टाइप जगह पे निकल आया हूँ। क्या सही है पता, ये तो कोई ज़्यादा ही पतली गली आ गई है यार यहाँ पर। ये चेक करें, ये तकरीबन मेरे बाजू जितनी गली आई है। ये चेक करें सारी ऊपर से भी, यकीन जब जो लोग रह रहे हैं उनकी हिम्मत है। मैं सच कहूँ तो मैं तो नहीं यहाँ पर रह पाऊँगा, आदत ही नहीं है रहने की यहाँ पर। नीचे मुझे लोग डर ही लगने लग गए, यहाँ पर सारी सुनसान जगह वगैरह हैं सारी। ये पता नहीं किधर निकल है भैया, बाहर जाने का रास्ता यही है। ये बड़ा भाई इधर भी घूमने लगा था मैं, ये सारा वापिस बैठ जाने का रास्ता है। भाईजान बैठ जाने का रास्ता कहाँ पे है? बैठ जाने का बाजार के अंदर पीछे निकला हूँ यार, वहाँ से बैठ आया मैं दिल्ली गेट से था। अब यहाँ पे कश्मीरी घाटी टाइप कुछ है वो, जिस साइड पे मैं जा रहा हूँ वो वहाँ पे ही है, तो वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। गलियाँ देख कर थोड़ा सा हो गया था कि किस जगह पे आ गया हूँ, बट अब वापस ये वही बाज़ार वैसा टाइप ही बाज़ार है सारा ये। ये सारी कपड़े वगैरह की, ये लेडीज़ के शायद कपड़े हैं, ये सारे लेडीज़ के कपड़े वगैरह लगे हैं ये सारे। इस रास्ते में मुझे ये गवर्नमेंट फातिमा जिना कॉलेज फॉर वुमेन ये नज़र आया मुझे, ये मेरे पीछे ये कॉलेज है कुछ लड़कियों का। और ये साथ बाज़ार के बीच में सामने ये पीछे कॉलेज है लड़कियों का सारा, और यही सारी मुझे लग रहा है कश्मीरी, पता नहीं क्या नाम नहीं मुझे आता यार, कश्मीरी क्या घाटी कहते हैं ना वो, ये यही है, यही सामने जो कश्मीरी घाटी है ये सारी। यार मैं मेरे पीछे एक कश्मीरी घाटी थी, कुछ नहीं था वहाँ पे दिखाने को, यही सारी जगह थी वहाँ पे, बस ढलान सी थी। तो वहाँ से अब हो गया वापस बाहर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, गन्ने का जूस हो गया, रिफ्रेशमेंट वगैरह सारी, नान्टी की समोसा जो भी चाहिए आपको, जो आप सो सकते हैं दोपहर के टाइम वो आपको सारा मिल जाएगा यहाँ पे। और बाकी दरबार वगैरह भी यही जगह बता रहे, इसके सामने भी भाई सारा खाने पीने की जगह है। और किसी दिन मैं संडे वगैरह को आ जाऊँगा वहाँ पर, तब रश नहीं होता, आज रश कुछ ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर किसी बंदे को चोट वगैरह लग जाए रेस्क्यू 112 की, 1122 जो भी है उसकी बाइक्स वगैरह यहाँ पे सारी खड़ी हुई हैं, तो अगर किसी को चोट वगैरह लग जाए तो उनको बचा सकते हैं। आज मंडे है अलग, और ये रश आप सारा देख सकते हैं कितना रश है सारा यहाँ पे। बंदे ने आना तो वीकेंड भी है, सैटरडे को भी नहीं, संडे को आना है बंदे ने, संडे को है। इधर लड़ा लड़ाई पीछे सारा मेरा रश देख सकते हैं आप, सारा रश ही रश है यहाँ पे। बंदा पैदल नहीं आ सकता, लोग इधर गाड़ियाँ लेकर आए हैं। यार मेरी आपको सिर्फ एक एडवाइस है, अगर आपने वीकेंड पे आना ना सिर्फ संडे को वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, तब आप आ सकते हो और सुकून से बना सकते हो। अगर आपने दूसरे डेज में आना है मंडे ट्यूसडे या जितने भी डेज है वगैरह, तब अगर आपने आना तो ना आइएगा, जो आपको साफ ही बात है, क्योंकि रश यहाँ पे बहुत है। अगर आपने वैसे शॉपिंग वगैरह करने आना है तो आप लोग आ सकते हैं, वैसे मेरा आपको यही है कि आप ना आए यहाँ पे। अब मैं वापस दिल्ली गेट के पास पहुँच गया हूँ, और मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ, वरना रश वगैरह तो बहुत ज़्यादा था। मेरी पेंट वगैरह सारी गंदी हो गई थी वो बाइक्स के, वो लग लग के। तो ये थी जी आज की वीडियो, जैसी भी थी बड़ी मुश्किल से बनाई है, इतना भी आसान नहीं बनाना। तो ये थी जी आज की वीडियो, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप मछलियाँ वगैरह के शौकीन हैं तो यहाँ पर सारी मछलियाँ वगैरह मुख्तलिफ किस्म की सारी मिल जाएंगी, सब्ज़ियाँ भी मिल जाएंगी आपको। ये दिल्ली गेट से बाइक की है, सब्ज़ियाँ होगी, फल वगैरह जो भी आपको चाहिए सारा मिल जाएगा यहाँ से, ये सारा। ये जैसे ही आप दिल्ली के
ये सामने मेरे जेल है, जेल नहीं है, पता नहीं क्या है, पुलिस वालों का कुछ है, इसका मुझे नाम नहीं आता। और दिल्ली गेट से निकलते साथ ही लेफ्ट साइड पर जब होंगे आप तो ये सारी आपको सब्जियाँ होगी, फल होंगे, जो भी आपको चाहिए, मछली वगैरह, वो सारा आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने वीडियो के अंदर ऐड ऑन करना था।